हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न पंजाबी विद मनजीत। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल और इस चैनल की वीडियोस के थ्रू आपको पंजाबी सीखने में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़। और कई बार क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का, बहुत बार रिप्लाई भी करती हूँ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका टाइम नहीं मिलता तो इसलिए वो रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहे, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अगेन वर्ड मीनिंग पंजाबी में शब्द, क्योंकि अभी तक जो मेन बेसिक्स थे वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं, अभी तक की वीडियोज़ में काफ़ी हद तक हो चुके हैं। लेकिन अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो है आपके पास वोकैबुलरी का होना, क्योंकि अभी हमें बाकी सब चीज़ें पता हैं कि कहाँ पे कौन से प्रनाउन उसके साथ कौन से वर्ब लगते हैं, लेकिन अब आपके पास वर्ड्स का होना, आपके पास शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है। और उन शब्दों के लिए ही अब मैं ये वीडियोस लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना और सीखना और सेम उसी टोन में उसको बोलने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप उसको सेम टोन में बोलोगे नहीं तो आपका भले ही आप पंजाबी के वर्ड जरूर बोल सकते हैं लेकिन आपका जो एक्सेंट है वो पंजाबी वाला नहीं होगा। तो आपको अगर पंजाबी एक्सेंट भी चाहिए तो आप उसको सेम वे में बोलने के लिए कोशिश करें। आप वीडियोस को बार बार ये चीज़ ध्यान से सुनना है कि उसमें बोला कैसे गया है, क्योंकि मैं हर वर्ड को पंजाबी हिंदी दोनों में बोलती हूँ तो, और साथ में एक एक सेंटेंस भी बनाती हूँ, तो आप उनको ध्यान से सुनिए ताकि आपको वो चीज़ जो आप एक्सेंट चाहते हैं वो एक्सेंट भी आपको सेम मिल सके। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास आज के नए शब्द। सबसे पहले हैं चौल, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं चौड़, और हिंदी में इसके लिए यूज होता है चावल। चावल के लिए ही पंजाबी वर्ड यूज होता है चौड़। यहाँ पे हिंदी में ल की साउंड नहीं बता सकते इसीलिए मैंने ल लिखा है, अदरवाइज इसको बोलना क्या है, चौड़। आज मैंने दाल चावल खाए हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे आज मैं दाल चौड़ खाए नहीं, या फिर दाल चौड़ खाते नहीं। नेक्स्ट है भुट्टा। भुट्टा का मतलब होता है पौधा। जब एक पेड़ होता है, पेड़ के लिए हम यूज करते हैं रुख या फिर दरख्त, लेकिन एक छोटे पौधे के लिए हम यूज करते हैं भुट्टा या फिर पौधा। नेक्स्ट है जनानी। जनानी का मतलब होता है औरत। किसी लेडी के लिए वर्ड यूज होता है जनानी। वो जो औरत जा रही है वो मेरी दूर की रिश्तेदार है, तो आप इसको पंजाबी में बोल सकते हैं ओहो जनानी जो जा रही है वो मेरी दूर दी रिश्तेदार है। नेक्स्ट है कौन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कौन, वहां पे न का यूज होता है, पंजाबी में न का। तो जैसे दरवाजे पर कौन है, दरवाजे ते कौन है। दरवाजे के लिए एक दूसरा वर्ड भी मैंने आपको पहले भी बताया है बूहा, बूहे ते कौन है। नेक्स्ट है औखा। औखा का मतलब होता है मुश्किल। रास्ता बहुत मुश्किल है तो हम इसको बोलेंगे रास्ता बहुत औखा है, डिफिकल्ट के लिए हम यूज करते हैं औखा। नेक्स्ट है सौखा। सौखा का मतलब होता है इजी या आसान। ये काम तो बिल्कुल आसान है तो हम इसको यूज करेंगे यह काम तो बिल्कुल सौखा है। नेक्स्ट है पौड़ी। पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी के लिए ही हम यूज करते हैं पौड़ी वर्ड। मुझे सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम है या फिर मुझे सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल पेश आती है तो हम इसको पंजाबी में बोलेंगे मैनू पौड़ियां। अब वहां पे सीढ़ियां वर्ड यूज किया मीन्स ज्यादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे पौड़ियां। मैनू पौड़ियां चढ़न विच मुश्किल हुंदी है या फिर औखा हुंदा है। नेक्स्ट है हथौड़ा। हथौड़ा मीन्स हैमर, वो सेम आई थिंक हिंदी में भी यूज होता है हथौड़ा। छोटा लड़का हथौड़े से काम कर रहा है,
तो हम इसको पंजाबी में बोलेंगे, छोटा मुंडा हथौड़े नाल कम कर रहा है। नेक्स्ट है चमकार। चमकार का मतलब होता है जैसे एक लाइट की जो चमक होती है उस चमक के लिए वर्ड यूज होता है चमकार। जैसे बिजली कड़क रही है या बिजली की एक जो लाइट है वो दिख रही है, तब हम बोलते हैं कि बिजली दी चमकार, पै रही है, पड़ रही है, पै रही है। नेक्स्ट है तौण। तौण मीन्स गर्दन के लिए ये वर्ड यूज होता है, तौण। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया, या फिर उसने छोटे लड़के को गर्दन से पकड़ लिया, तो हम उसको बोलेंगे उसने छोटे मुंडे को तौण तो फड़ लिया। नेक्स्ट है होली। यहाँ पे फिर ल का है, हिंदी में ल के साथ, लेकिन पंजाबी में इसकी साउंड है अड़, हौली, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी में बिंदी का यूज हुआ है। जब बिंदी का यूज होता है ल के साथ तो वो ल की साउंड अड़ बन जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हौली। तो हौली का मतलब होता है धीरे। वो औरत धीरे धीरे चल रही थी। तो अभी औरत के लिए मैंने पहले भी वर्ड बताया जनानी, हम वो भी यूज करेंगे साथ में। वो जनानी हौली हौली चल रही सी, धीरे धीरे चल रही थी, हौली हौली, और चल रही सी। नेक्स्ट है सबर। सबर का मतलब होता है धैर्य। जब हम बोलते हैं थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सबर रखो। नेक्स्ट है कौली। कौली का मतलब होता है, जब हम हिंदी में यूज करते हैं कटोरी, कटोरी को बोलते हैं कौली। मुझे कटोरी में थोड़ी सी सब्जी दे दो, तो हम बोलेंगे मैनू कौली विच थोड़ी जी ही सब्जी दे दो। थोड़ी सी के लिए हम यूज करेंगे थोड़ी जी या फिर थोड़ी जी। नेक्स्ट है चौरस। चौरस का मतलब होता है कोई भी स्क्वायर शेप। ये रुमाल बिल्कुल स्क्वायर शेप का है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे यह रुमाल बिल्कुल चौरस है। नेक्स्ट है संद। संद का मतलब होता है टूल्स, कोई भी संद हो सकते हैं। कारीगर टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। कारीगर संदा दी वरतों, इस्तेमाल के लिए वरतों वर्ड भी यूज होता है, संदा दी वरतों कर रहा है। नेक्स्ट है नौजवान। नौजवान होता है जो अडल्ट बॉय होता है उसको हम नौजवान बोलते हैं। इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं कि वो लड़का जिसकी एज हम बोल सकते हैं कि 18-20 साल है, वो वहां पे क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बोलेंगे वो नौजवान उथे क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। चौड़ा। चौड़ा का मतलब होता है ब्रॉड। ये रास्ता बहुत खुला है, खुला वर्ड भी यूज होता है, तो खुला है उसके लिए हम यूज करते हैं चौड़ा। ये रास्ता बहुत चौड़ा है। नेक्स्ट है कौड़ी। कौड़ी का मतलब होता है कड़वी। ये दवाई बहुत कड़वी है, तो हम इसको यूज करेंगे यह दवाई बहुत कौड़ी है। नेक्स्ट है दौड़ाक। दौड़ाक होता है दौड़ने वाला। वो दौड़ाक जा रहा है, वो एक दौड़ाक है, इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं कि वो एक दौड़ने वाला है। नेक्स्ट है मुखौलिया। मुखौलिया मुखौलिया का मतलब होता है मजाक करने वाला। जिसको मजाक करने की आदत होती है उसको बोलते हैं मुखौलिया, क्योंकि मजाक का एक और वर्ड भी है मुखौल। वो बहुत ही मजाक किया है, तो हम इसको बोलेंगे वो बहुत ही मुखौलिया है, मुखौलिया। नेक्स्ट है सौदा। सौदा का मतलब होता है सामान, जैसे राशन का सामान हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सौदा। मेरे घर वालों ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था, तो हम राशन का सामान मंगवाया था ये बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि मेरे घर वाले ने मेरे तो सौदा मंगवाया सी, मंगाया था, मंगवाया सी। नेक्स्ट है खिडौना। खिडौना का मतलब होता है खिलौना।
हिंदी में होता है खिलौना, पंजाबी में होता है खिडौना, क्योंकि जो खेड वर्ड है वो खेल से बना है, खेल के लिए पंजाबी में यूज होता है खेड, और खिडारी जो होता है वो खिलाड़ी के लिए यूज होता है, इसी तरह खिलौना के लिए यूज होता है खिडौना। नेक्स्ट है तुरना, तुरना का मतलब होता है चलना, पैदल चलना, उसको हम बोलते हैं तुरना। मुझे पैदल चलना बहुत मुश्किल लगता है, मैनू पैदल तुरना बहुत औखा लगता है। नेक्स्ट है भजना, भजना मीन्स भागना, उसे भागना पसंद है, उसनू भजना पसंद है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और नेक्स्ट टाइम हम और ऐसे ही वर्ड लेके आएंगे ताजो आपकी और पंजाबी सीखने में हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।